Hello, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear students, so it's time for our class. All of you, get ready for your studies. Our today's schedule, class 3, Vishay Hindi Vyakaran, part 3. मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं रानी कुरेशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, आज आपको पता है हम कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? यस, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो चलिए जल्दी से जाइए, अपनी व्याकरण की किताब निकालिए, फिर अपना कार्य शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम डालते हैं दिनांक, उसके बाद पार्टी, और आज का टॉपिक है संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, विषय व्याकरण। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कक्षा 2 में भी आपको पढ़ाया था संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, तो मैं समझती हूँ कि संज्ञा की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से आती होगी। ओके स्टूडेंट, तो अब आपको जानना ही है कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संसार में जितनी भी चीजें हैं सब संज्ञा है। हर किसी चीज का अपना अपना नाम होता है। उस संज्ञा, मतलब जैसे कोई चीज होती है उसका नाम होता है, उसको क्या करते हैं, हम उसके नाम से उसको आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक है, और वो आसानी से हमारी समझ में भी आ जाती है। तो ये क्या है, नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण, उसके उदाहरण तो मैंने लिखे नहीं है, अब आप मुझे बताइए उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। देखिए, जैसे कि व्यक्ति है, यस, अब जैसे मैं हूं, मैं भी एक व्यक्ति हूं, तो मैं कौन हूं, मैं अध्यापिका हूं। तो हम यहाँ व्यक्ति में क्या लिख सकते हैं, हम अध्यापिका भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी है, वो भी एक व्यक्ति थे, उन्होंने हमारा देश आजाद कराया था, तो हम यहाँ महात्मा गांधी भी लिख सकते हैं। और वो कौन है, वो भी एक व्यक्ति है, तो हम ये व्यक्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहां लिखेंगे अध्यापिका। ठीक है, फिर है वस्तु। अब जैसे कि आपके हाथ में पेंसिल है, आप वर्क कर रहे हैं, और एक किताब है और एक कॉपी है, तो आप उसमें वर्क कर रहे हैं, तो आपके हाथ में जो पेंसिल है वो भी एक वस्तु है, आपके हाथ में किताब है वो भी एक वस्तु है। तो हम यहाँ किताब भी लिख सकते हैं, पेंसिल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे किताब। फिर है स्थान। स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको इस टाइम आपको पढ़ा रही हूँ, आपको स्टडी करा रही हूँ, तो मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, ये लोकेशन आप जानते ही हैं कि मैं कहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैं विद्यालय में खड़ी हुई हूँ, खड़े विद्यालय में आपको स्टडी करा रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या है, ये एक स्थान है, और जिस जगह पे आप पढ़ रहे हो वो क्या है, वो भी एक स्थान है, और वो क्या है, वो है आपका घर। तो हम यहाँ विद्यालय भी लिख सकते हैं और घर भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे विद्यालय। ओके, फिर है प्राणी। अब जैसे कि प्राणी क्या होते हैं, प्राणी होते हैं पशु, पशु पक्षी। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपके स्कूल में खरगोश है, चिड़िया है, कुत्ता है, तो ये क्या है, ये है प्राणी। तो उसमें हम यहाँ खरगोश का भी नाम लिख सकते हैं, कुत्ते का भी नाम लिख सकते हैं, और चिड़िया का भी नाम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम चिड़िया का नाम लिखेंगे। चिड़िया। फिर है भाव। अब स्टूडेंट, भाव, भाव का मतलब होता है जैसे कि आपके स्कूल में या आपके घर पर आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, ठीक है, आप उनसे क्या करते हो, दोस्ती करते हो, तो वो क्या है, वो है आपके मन का भाव, क्योंकि आप उनसे दोस्ती करते हो, मित्रता करते हो, ठीक है स्टूडेंट। और एक ये है, जैसे किसी का, जैसे किसी की पेंसिल गिर जाती है, ठीक है, आप क्या करते हो, उसकी पेंसिल आप उसको उठा के देते हो, तो ये क्या है, ये है आपकी ईमानदारी, तो ये क्या है, आपकी ईमानदारी का भाव। और आप सच्ची मित्रता करते हो, तो वो क्या है, आपकी सच्ची मित्रता का भाव। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ ईमानदारी भी कर सकते हैं और मित्रता भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे मित्रता।
ये क्या है? भाव। ओके, अब स्टूडेंट आपको जानना ये है कि संज्ञा में कितने भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा में तीन भेद होते हैं, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा और एक होता है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए मैंने यह व्हाइट बोर्ड पे लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है देखिए स्टूडेंट, आप पेज नंबर 9 निकालिए और पेज नंबर 9 पे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं देखिए, राम, सीमा, ताजमहल, गंगा। क्योंकि राम और सीमा क्या है? यह व्यक्ति। और ताजमहल क्या है? स्थान। और गंगा क्या है? ये भी स्थान है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी स्थान में आएगी या नहीं, नाम आएगी। ठीक है, गंगा क्या है? नाम। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे ये लिखना है। फिर है जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें जातिवाचक में पेज नंबर 10 निकालिए और देखिए, जिस शब्द के से एक प्रकार की वस्तुओं प्राणी का पता चलता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे इसमें वस्तु क्या है? मेज। वस्तु क्या है? ग्लास। ओके स्टूडेंट, वस्तु क्या है? पंखा। और प्राणी क्या है इसमें? मछली और गाय। ओके, फिर है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में क्या कर सकते हैं देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में हम क्या लिख सकते हैं? मित्रता, ईमानदारी, बचपन, मिठास। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है आपके संज्ञा, ये है आपकी संज्ञा की परिभाषा और ये संज्ञा के भेद। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ संज्ञा की परिभाषा करनी है और संज्ञा के भेद लिखने हैं, आपको ये वर्ग नहीं करना है। ओके, सिर्फ आपको संज्ञा के भेद करने हैं। स्टूडेंट अब आप पेज नंबर 13 निकालिए और पेज नंबर 13 में हेडिंग देखिए, नीचे दी गई तालिका में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा को छांट कर लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, ठीक है, और इस बॉक्स में क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग लाइन दी है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की लाइन, ये जातिवाचक संज्ञा की लाइन और ये भाववाचक संज्ञा की लाइन, तो आपको इसमें से छांट के यहाँ अलग अलग लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी किया है, नीचे दी गई तालिका में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा को छांट कर लिखिए। ठीक है, नंबर एक पर है सुरेश। अब आप मुझे बताइए सुरेश कौन सी संज्ञा है, ये तो सबको पता है। यस, सुरेश एक नाम है, तो ये क्या है? ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक के नीचे लिखेंगे हम सुरेश। सुरेश कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। फिर है नारी, और नारी कौन सी संज्ञा है? नारी है जातिवाचक, तो हम लिखेंगे नारी। ओके, फिर है नेक्स्ट सेवा। सेवा क्या है? अब आप मुझे बताइए। यस, सेवा है भाववाचक संज्ञा। जैसे कभी कभी हम किसी की सेवा करते हैं तो ये क्या है? ये हमारे मन का भाव है, तभी तो हम किसी की सेवा करते हैं, तो ये हम क्या लिख सकते हैं? भाववाचक संज्ञा के नीचे लिखेंगे सेवा। ओके, नेक्स्ट फिर है पक्षी। पक्षी कौन सी संज्ञा है? यस, पक्षी है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अलग अलग पक्षी होते हैं, जैसे कबूतर है, कौ है, चिड़िया है, मोर है, तो ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तो हम जातिवाचक के नीचे लिखेंगे पक्षी। ओके, फिर है हिमालय। ये तो सबको पता है, हिमालय कौन सी संज्ञा है? यस, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हिमालय क्या है? हिमालय एक नाम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे हिमालय। फिर है सुख। अब आप मुझे बताइए सुख कौन सी संज्ञा है?
यस, सुख है भाववाचक संज्ञा। और ये क्या है, जैसे कि कोई सुखी रहता है कोई दुखी रहता है, तो ये क्या, ये भी एक मन का भाव है, क्योंकि कभी हमें सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, ये क्या है, ये हमारे मन का भाव है। तो हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा के नीचे लिखेंगे सुख। ओके, फिर है नदी। अब आप मुझे बताइए नदी कौन सी संज्ञा है, नदियां तो बहुत सारी होती हैं। यस, नदी है जातिवाचक संज्ञा, जैसे गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, ये क्या है, ये नदियां हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, नदी को किसके नीचे लिख सकते हैं, जातिवाचक के नीचे। तो नदी क्या है, जातिवाचक। ओके, फिर है भय। भय का मतलब होता है डर। भय क्या है, ये भी एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जैसे हमें कभी डर लगता है तो ये क्या है, ये भी हमारे मन का भाव है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा, और भय होता है डर। ओके, फिर है केरल। ये तो सभी जानते हैं, केरल कौन सी संज्ञा है, यस व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये शहर का नाम है केरल। फिर है फल। अब आप मुझे बताइए फल कौन सी संज्ञा है, यस फल, फल है जातिवाचक संज्ञा। और फल में कौन से फल होते हैं, जैसे केला है, सेब है, अमरूद है, पपीता है, ये क्या है, इनके अलग अलग नाम है, तो फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो यहां हम लिखेंगे फल जातिवाचक के नीचे। ओके, फिर है हंसी। अब आप मुझे बताइए हंसी कौन सा संज्ञा है, यस हंसी भी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हंसी जैसे कभी हम रोते हैं हंसते हैं, तो ये क्या, ये भी हमारे मन का भाव है। ठीक है, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, किसके नीचे लिख सकते हैं, भाववाचक संज्ञा की। तो यहां हम लिखेंगे हंसी। ओके, फिर है अनार। अब जैसे कि मैंने अभी आपको फल के बारे में बताया कि फल जातिवाचक संज्ञा है, अब आप मुझे बताइए अनार कौन सी संज्ञा है, यस व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये क्या है, फल का नाम है, अलग नाम है फल का। ठीक है, फल में कौन कौन सी, फल क्या है, जाति है, और फल में जैसे अनार, केला, सेब, पपीता, जैसे मैंने बताया, अब ये अलग से नाम है अनार, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम लिखेंगे अनार। ओके, फिर है भारत। अब आप मुझे बताइए भारत कौन सी संज्ञा है, यस भारत है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हम लिखेंगे भारत। ओके, फिर है पर्वत। अब पर्वत कौन सी संज्ञा, पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, अब आप मुझे बताइए ये कौन सी संज्ञा है, यस ये है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्वत में तो बहुत सारे नाम होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा के नीचे लिखेंगे पर्वत। ओके, फिर है मिठास। मिठास, मिठास क्या है, ये भी मन का भाव है, क्योंकि कभी जैसे हम कोई चीज खाते हैं, कोई चीज हमें खट्टी लगती है, कोई मीठी लगती है, कोई कड़वी लगती है, मतलब इस तरीके, तो ये क्या है, हमारे मन का भाव। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, मिठास भाववाचक संज्ञा, तो हम लिखेंगे मिठास। फिर है राजीव। ये संज्ञा तो सबको ही पता है, तो राजीव क्या है, राजीव एक व्यक्ति है और उसका नाम है, तो हम लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे राजीव। फिर है भेड़। अब भेड़ बताइए कौन सी संज्ञा है, यस भेड़ है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि भेड़ की भी अलग अलग जातियां होती हैं, तो हम लिखेंगे भेड़ किस जातिवाचक के नीचे। ओके, फिर है वृक्ष। अब वृक्ष के भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे वृक्ष एक जाति है, उसमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं, जैसे कि केले का वृक्ष, नीम का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, तो ये क्या है, वृक्ष की जाति, ये जाति वृक्ष जाति है, और ये क्या है, उनके नाम। ठीक है स्टूडेंट, तो वृक्ष क्या है, जाति, तो हम लिखेंगे वृक्ष।
क्योंकि वृक्ष सब अलग अलग होते हैं। फिर है केले, केला एक नाम, जैसे मैंने अभी फल में बताया था अनार, ठीक है, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है केले, केला भी एक नाम है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हम लिखेंगे केले। ओके, फिर है बच्चे। अब आप मुझे बताइए बच्चे कौन सी संज्ञा है? यस, बहुत सारे बच्चे, तो बच्चे हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, तो हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा के नीचे बच्चे। ओके, फिर है ईमानदारी। अब स्टूडेंट देखिए ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, देख अब आप मुझे बताइए। देखिए ईमानदारी है भाववाचक संज्ञा, जैसे कि किसी की कोई पेंसिल गिर जाती है फिर आप उसको उठा के देते हो, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी ईमानदारी का भाव, ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा के नीचे, तो वो क्या था आपका, वो था आपका ईमानदारी का भाव, तो इसलिए हम लिखेंगे भाववाचक के नीचे ईमानदारी, ठीक है। फिर है मोहन। अब मोहन कौन सी संज्ञा, ये तो सबको पता है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हम लिखेंगे मोहन। ओके, फिर है कानपुर, ये भी सबको पता है, ये कौन सी संज्ञा है, यस, कानपुर एक शहर का नाम है और कानपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हम लिखेंगे कानपुर। ओके, फिर है क्रोध। क्रोध मीन्स होता है गुस्सा, ठीक है, और क्रोध कैसे आता है, ये आपके मन से आता है, ये क्या है आपके मन का भाव, क्रोध, खुशी, ईमानदारी, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, इसे हम भाववाचक संज्ञा में लिख सकते हैं, और क्रोध मीन्स होता है गुस्सा। ओके, फिर है विंध्या पर्वत। अब मुझे बताइए विंध्या पर्वत कौन सी संज्ञा है, यस, विंध्या पर्वत एक पर्वत का नाम है और ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुड, नाम लिखेंगे विंध्या पर्वत। ओके, विंध्या पर्वत। फिर है जापान, और ये भी आप सब जानते हैं कि जापान क्या है, ये भी एक नाम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां हम व्यक्तिवाचक के नीचे लिख सकते हैं जापान। ओके स्टूडेंट, फिर है प्रेम। अब प्रेम, जैसे कि ये प्रेम क्या होता है, प्यार, ये भी हमारे मन का भाव है, जैसे हम किसी से बड़े प्रेम से बात करते हैं तो क्या मन के भाव से तो बात करते हैं किसी से, तो ये क्या है, प्रेम भाववाचक संज्ञा, तो यहां हम लिखेंगे प्रेम। ओके, फिर है खट्टा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हम कभी कोई खट्टी चीज खाते हैं, मीठी चीज खाते हैं, तो ये क्या है, हम किसी चीज की तारीफ करते हैं, और तारीफ क्यों करते हैं या बुराई करते हैं, अपने मन के भाव से, तो खट्टा क्या है, मन का भाव, तो हम लिखेंगे खट्टा। खट्टा क्या है, भाववाचक संज्ञा, खट्टा। ओके स्टूडेंट, फिर है हरियाली। हरियाली, जैसे कि हम कहते हैं कि खेत में बहुत अच्छी हरियाली हो रही है, जैसे गेहूं की बहुत अच्छी हरियाली होती है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये भी हमारे मन का भाव है, क्योंकि हम हरियाली की बहुत तारीफ कर रहे हैं, गेहूं की हरियाली की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि हरियाली बहुत अच्छी हुई है, तो ये क्या है, ये भी आपके मन का भाव है, तो हरियाली क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो हम लिखेंगे हरियाली। ओके, फिर है युवक। अब युवक क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। ओके स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे युवक। ओके, फिर है भाई। अब भाई कौन सी संज्ञा है, अब आप मुझे बताइए, यस, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, तो हम लिखेंगे भाई। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, उसके उदाहरण लिखने हैं और उसके भेद लिखने हैं, ठीक है, और आपको
पेज नंबर 13, ये आपका कक्षा कार्य है, ठीक है, आपको ये दिनांक डालनी है, कक्षा कार्य करना है, ओके। फिर है आपका गृह कार्य, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12, ये है आपका गृह कार्य। देखिए पेज नंबर 11 पर है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को पहचान कर लिखो, तो ये है आपका गृह कार्य। फिर पेज नंबर 12, नीचे वृक्ष में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से संज्ञा शब्द छांट लो, उसके तने में लिखें। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक पेड़ है और ये इसका तना है, इसमें कुछ शब्द दिए हैं, अब आपको क्या करना है, इसमें से छांट के इसको तने में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, खाली स्थान में उचित संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। देखिए यहाँ पे ये उत्तर दिए हैं, ये उत्तर छांट के आपको यहाँ लिखना है, तो ये है आपका गृह कार्य, ओके स्टूडेंट। तो चलिए तब तक के लिए सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड द क्लास एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट आवर वर्क। प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पार्ट 3 का कार्य अपनी पुस्तक में पूर्ण करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्टे एट होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।